नमस्कार, मैं अमरजीत सर। आप सभी को हमेशा एक बात का फिक्र लगा रहता है हमसे कि सर आप इतना इंग्लिश कैसे जानकर हम लोग को पढ़ाते हैं, कितना मेहनत आप किए होंगे, कितने स्ट्रगल आप किए होंगे अपनी लाइफ में, और कैसे कैसे इंग्लिश आपको इतना संग्रह किए हैं। तो तमाम विद्यार्थियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी मेहनत आप देखना चाहते तो आज मैं आपको अपनी मेहनत दिखाना चाहता हूँ। और उन सारे टीचरों को भी मैं प्रेरणादायक बनता हूँ जो नए नए शिक्षक जो दूसरे शहर में खोलना चाहते हैं, उनको भी मैं एक सलाह दूंगा कि पहले नॉलेज गेन करिए। या हमारे शहर में भी जो टीचर होते हैं इंग्लिश का, उन्हें भी हम कहूँगा कि पहले नॉलेज गेन करिए। कंपटीशन पढ़ाने के लिए बहुत मायने रखता है किसी चीज़ को संग्रह रखना। और सारे विद्यार्थी जो हमसे इंस्पायर होते हैं, हमारे यहाँ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उनको भी हम बताना चाहते हैं कि क्यों हमारे यहाँ पढ़ना ज़रूरी है और कितना एक्सपीरियंस होकर मैं पढ़ाता हूँ, किसी क्वेश्चंस को कैसे मैं तथ्यात्मक तरीके से मैं रखता हूँ और पुख्ता के साथ मैं उस क्वेश्चंस को कैसे बताता हूँ, इन सारे जानकारी मैं आज आपको देता हूँ। देखिए, हमारे पास हमने जो जितना पढ़ा है सबका हमने संग्रह रखा, तो उसी सबको मैं अभी कलेक्ट कर रहा था कि कौन सा असाइनमेंट कहाँ कहाँ खो गया, कौन सा असाइनमेंट कहाँ। ये जो डायरी दिख रहा है ना, 2012 का मेरा पढ़ा हुआ, देखिएगा 2012 दिख रहा होगा, ये टोटल हमारा नोट्स बना हुआ आपको देखिएगा, डेट उट सब दिखेगा इधर, शायद दिखना तो चाहिए इधर। ये 2012 का मेरा टोटल है, ये 2012 का कहीं डेट मिल जाए तो अच्छी बात है। ये टोटल 2012 का मेरा खुद से हाथ से लिखा हुआ डायरी है, एक एक वर्ड का यूज़ किया हुआ, एक एक वर्ड का सोल्यूशन है, एक एक इंग्लिश का टोटल सोल्यूशन मेरा इस डायरी में लिखा हुआ। प्रैक्टिकल सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, एक एक क्वेश्चन का मैंने मेहनत किया है सारे का, समझ में आ गया। तो ये हमने डायरी बनाया 2012 में, ठीक है, जिस समय हम सेट सोल्यूशन किया करते थे ना। देखिए ये FCI का दिख रहा होगा 2012, कितना पुराना सेट है, कितना लिखा 20/6/2012, उस समय का सेट सोल्यूशन है जब हम कराया करते थे या फिर हम करते थे सेट सोल्यूशन। तो मेरा तरीका था कि किसी भी सेट सोल्यूशन को करना या फिर किसी भी ग्रामेटर टॉपिक को पढ़ना, उसको संग्रह करना हम हमेशा सीखें, हमेशा हम संग्रह करना सीखें। जैसे कि आपको देखिए सबका फाइल बना हुआ, सभी सेट का हमने फाइल बना बना के रखे, तो आप लोग शायद ऐसा नहीं करते होंगे, पढ़ा उड़ा दिया, ऐसा नहीं होते, सभी सेट का फाइल बना के रखे हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, सारे सेट का आपको फाइल दिखेगा, ये हो गया या फिर ये हो गया, पूरा जितना पूरा MB पब्लिकेशन को ही मैं पहले पूरा पढ़ाता था, अब पूरा पढ़ जाते थे। देखिए पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा MB पब्लिकेशन आपको दिख रहा होगा किताब का, टोटल हम पढ़ते थे और पूरे पढ़ाते थे, टोटल पढ़ जाते थे। किसी भी असाइनमेंट को संग्रह करना आप लोग भी सीखिए कि कैसे किस चीज़ को हम संग्रह कर सकते हैं। ये सारे चीज़ आपको दिखेगा, 2014 का सेट है, 14 का हो या 12 का हो, या इधर देखिए आप मेरा कैसे पढ़ने का स्ट्रेटेजी है, ये आपको पुराना सेट मेरा है सर, कब का है भाई, मैंने कैसा सोल्यूशन किया हुआ, 27/8/2014 दिख रहा होगा, 27/8/2014 देखिए, ये मेरा सेट है, ये सेट है ना, और फिर इसका मेंस का सेट है, कब का है मेंस का, मेंस का सेट है, देखिए 27/8/2014 का सोल्यूशन है। सोल्यूशन सेट में ही करते थे, देखिए मेरा सोल्यूशन, मेरा हैंड राइटिंग ऐसे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ मैंने एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने करके रखा पूरे का, किसी चीज़ का देखिएगा एक एक पार्ट का सोल्यूशन, कैसे दिया जिसका सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड पावर, क्या दिक्कत है, कौन सा वर्ड कैसे यूज होगा, सारा सोल्यूशन हम जो सेट है उसमें करके रखते थे। तो जिसका संग्रह आज हम सबको सरिया रहे थे, अरेंज कर रहे थे, तो लगा कि आप लोग को बताते चले कि हम अपने सेट सोल्यूशन कैसे किया करते थे और कैसे उसको संग्रह किया करते थे। आप लोग में क्या खामियां है कि केवल पढ़ते और जहां तहां छोड़ देते, नहीं, पढ़ने का मतलब हुआ कि आप किसी चीज़ को संग्रह करना सीखिए। संग्रह नहीं करेंगे तो फिर आपका जहां का तहां रह जाएगा नॉलेज, फिर आप उपयोग नहीं कर पाइएगा। ये पूरा आपको सेट दिखेगा टोटल, ये है 24/7/2014, देखिए 24/7/2014 10 साल पहले का, ये पूरा, ये देखिएगा, ये हमारा सेट है, इसका सोल्यूशन इसी में देखेंगे, मेरा हाथों से लिखा हुआ सोल्यूशन है, 16/7/2014 एक क्वेश्चन नंबर का आंसर डी दिख रहा होगा आपको,
दिख रहा होगा रेन ओवरटेक सारा कुछ मेरा खुद का लिखा हुआ सोल्यूशन है 7/8/2014 हर सेट का सेट सोल्यूशन सेट सोल्यूशन सेट सोल्यूशन। हमने जितना भी नॉलेज गेन किया है एक्सपीरियंस के तौर पर और इतनी डीपली नॉलेज हमने जब पूरा सेट बनाया टोटल सेट बनाया 1997 से लेकर अभी तक हमने जितना सेट बनाया किसी भी डिपार्टमेंट का हो हमने सबका संग्रह करना सीखा संग्रह करना सीखा। जैसा कि हमने आपको पूरा फाइल ये सब दिखेगा सबका वही हाल है ये सब आपको दिखेगा टोटल दिखेगा फिर किसी को हम दिखाएंगे इधर है। और अभी भी हम बहुत सारा सेट का संग्रह करना सीखते हैं जितने सेट हम लगाते हैं हमारा इतना जो ग्रामेटिकल का एक्सपीरियंस है इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताता हूँ। इसका केवल एक ही रीज़न है कि पूरे सेट को मैंने डीपली सॉल्यूशन और संग्रह किया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया था और उसी क्वेश्चन को कैसे अगला एग्जाम में पूछा और किस तरह से पूछा ये हमने सारा इसका डिस्कस करता हूँ ना सारा को मैं संग्रह करता हूँ अपने डायरी में भी नोट करता हूँ कि उसमें क्या दिक्कत। देखिए मेरा खुद का डायरी है 17 जुलाई 2023 आपको दिख रहा होगा 17 जुलाई 2023 ये डायरी में हम खुद नोट करते हैं कि क्या इसमें होना चाहिए। देखिए आपको दिखेगा मेरा खुद लिखा हुआ हाथों से कौन सा क्या होनी चाहिए कौन सा वर्ड ज़्यादा डिफिकल्ट है कोलोकेशन क्या है किस वर्ड को हमें ज़्यादा तकलीफ दे रहा। आप लोग को लगता होगा कि सारा चीज़ हमें याद है तो ये सब हम अपने सारे चीज़ को मैं दिखाता हूँ ये सारे चीज़ आप भी किसी चीज़ को संग्रह करिए हर चीज़ को जब संग्रह करना सीखिएगा तो आप में नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। आप हमारे यहाँ फंडामेंटल कोर्स ऐसे पढ़ते हैं 14 मंथ्स का तो 14 मंथ्स हम पूरा एक्सपीरियंस के साथ हम आपको पढ़ाते हैं टोटल कौन से क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया किस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कैसा पूछा जा रहा है इन सारे तमाम एक्सपीरियंस को लेकर पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि आज ये क्वेश्चन आया कल नहीं पढ़ाएंगे आउटडेटेड हो गया आज है वो नहीं सारा चीज़ हमने पूरे एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाता हूँ। इसलिए आपके शहर में ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस इतनी फेमस और इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप भी इस चीज़ से दूर हैं तो आप भी मेरे यहाँ एक बार आके जरूर परखिए हमारे कंटेंट को या बाकी टीचरों के यहाँ भी पढ़ते हो तो डिफरेंट जरूर देखिए कि इनका एक्सपीरियंस क्या है क्या पढ़ाना चाहते हैं क्या पढ़ना चाहिए हमें इन सारे चीज़ों को देखिए। अभी जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होता है जैसे कि आपको दिखाते हैं EPFO देखिएगा EPFO का 1/8/2023 आपको दिखेगा ये सारे आ जाए। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आया होगा तो फंडामेंटल बैच में वो क्वेश्चन लगेगा सब कुछ दिखाएंगे आपको सारा चीज़ का मेरा देखेगा इधर आप देखेगा पूरा फाइल आपको दिखेगा इधर टोटल संग्रह आपको दिखेगा पूरा फाइल। ये DSSB का भी एग्ज़ाम हुआ देखिएगा DSSB का एग्ज़ाम हुआ इसमें अगर कोई सवाल आया होगा तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब भारत भर में किसी भी एग्ज़ाम हो कोई भी एग्ज़ाम हो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये हम दावा करते हैं और इस चीज़ को हम पढ़ाते भी हैं। ऐसा नहीं केवल जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का देखिए एग्जाम हुआ था इसका क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं और इसमें अगर कोई क्वेश्चन आया है का हाल का एग्जाम है 2024 में एग्जाम हुआ इसका तो इसका एग्जाम हुआ है तो सभी का हमारा पढ़ाया जाता है चाहे CPO मेंस हो देखिए CPO मेंस का एग्जाम हुआ है कब हुआ है SSC CPO मेंस दिखेगा CPO मेंस कब हुआ 2/5/2023 सेट लग चुका है सोल्यूशन हो चुका है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन डाउट होगा क्वेश्चन कुछ भी होगा अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया है तो ग्रामर बैच फंडामेंटल चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन ग्रामेटिकल में जरूर लगेगा फंडामेंटल कोर्स में जरूर लगता है। मतलब कहने का थोड़ा सिंपल सी बात है ये जितना आपको दिख रहा होगा जितना फाइल हमने दिखा एस्टेनोग्राफर का हो चाहे IB का हो देखिएगा IB का भी आपको दिखेगा IB का दिखेगा आपको तो ये सारे चीज़ का दिखेगा ये सारा कोर्स आपको दिखेगा टोटल का दिखेगा ये स्टेनोग्राफर है बैंक PO का भी दिखेगा ये टोटल आपको बैंक PO का मॉक टेस्ट हम लगाते हैं आपको दिखेगा सारा चीज़। तो अगर आप मेरे यहाँ कोर्स करते हो हमने संग्रह करना भी सीखा सारा चीज़ को कि किस सेट को कितना संग्रह करें कौन से एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं कब एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इन सारे बातों को हम पूरी तरह से संग्रह करते हैं और बच्चों में यही सी पॉजिटिव देते हैं कि तुम्हें ऐसा लिखो एग्जामिनर ऐसा पूछेगा ये पढ़ो ऐसा पूछा जाएगा इन सारी चीज़ों को हम बच्चों में बेहतरीन तरीके से भर देते हैं और इसीलिए हमारे यहाँ कोर्स ड्यूरेशन थोड़ा सा 14 मंथ्स होता है तो इससे आप घबराइए नहीं 14 मंथ्स कोर्स से मेरा घबराइए नहीं। अगर आप घबराते हैं तो आपके लिए हमसे बेहतर कोई टीचर है अगर बिहार शरीफ में और इतना एक्सपीरियंस लेकर पढ़ाता है तो आप बेशक उनके यहाँ जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो तब तो, मुझसे ज्यादा इतना सेट सॉल्यूशन कर रखा है सारा चीज का। आप इधर देखेंगे जितना बुक्स पढ़ाते बच्चे पूछते रहते सर आप किन किन किताबों से पढ़े हैं, क्या पढ़े जो इतनी आपके पास एब्जॉर्ब है सारा रूल से, जब भी पूछते हैं तब बता देते हैं, जब भी पूछते हैं कोई चीज़ तब बताते हैं, बेहिचक बताते हैं। जी हाँ, मैं बेहिचक बताता नहीं हूँ, बल्कि हमने इतना एब्जॉर्ब कर रखा है। जैसे हमने अभी इतना फाइल बताया आपको सारा, मेरा सारा 1997 से लेकर अभी तक आपको लेटेस्ट में दिखाऊंगा, 2024 अब भी अप्रैल मई महीना वाला सेट दिखाऊंगा मैं, तो इन सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा है और मैं पढ़ता हूँ। आज भी कोई नया टेस्ट होता है, नया एग्जाम होता है, अभी NDA का एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन मैंने बच्चों को पढ़ा है कि देखो हमने पढ़ा है, ये क्वेश्चन आया या कि नहीं, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारा चीज़ हमने बुक्स से पढ़ा है और लेटेस्ट एग्जाम से हमने पढ़ा है। बुक्स हम ज़्यादातर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और